नमस्कार दोस्तों, ब्लड अटैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल भूतिया से एकदम अलग टाइप के वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सचमुच में आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और ज़रूरत से ज़्यादा खौफनाक है। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घट जाएगा, खासकर उसने जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था और कुछ खौफनाक चीज़ों से ही खेलना चाहता था। उसे ऐसा लगता था कि जो चीज़ें होती है ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, लोगों के केवल मनोरंजन का एक जरिया होती है। वो इसी मनोरंजन के जरिए का फायदा उठाना चाहता था। कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ऐसे बात नहीं करते, सीधे सीधे बात करते। आइए चलते हैं आज से ठीक 10 साल पहले सन 2012 में अमित नाम के लड़के के पास, जो कि मुंबई में रहने वाला एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर लड़का था। जी हाँ, पंजाब के एक छोटे से शहर से अमित आया हुआ था मुंबई में ये सपना लेकर कि मैं मुंबई जाऊंगा, फिल्म्स डायरेक्ट करूंगा, सीरियल डायरेक्ट करूंगा और जिंदगी में एज अ फेमस डायरेक्टर नाम कमाऊंगा। लेकिन मुंबई आने के बाद उसको उसका ये सपना फीका हुआ सा दिखाई दे रहा था। काफी समय तक धक्का खाने के बावजूद भी उसे अच्छा काम नहीं मिल रहा था। हालांकि कुछ सीरियल्स के साथ उसने इंटर्नशिप किया, कुछ फिल्म में उसे 4th-5th AD का काम मिला, लेकिन वो जिंदगी में तरक्की नहीं करवा रहा था। अमित का ऐसा सपना था कि वो जल्द से जल्द आगे बढ़ जाए क्योंकि रेस लगी हुई है। इसी दौरान अमित की पहचान हुई थी 3 और लड़कों से जो कि अमित के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और ये तीनों भी डायरेक्शन के प्रोफेशन से ही थे। बस चारों मिलकर डायरेक्शन फील्ड में स्ट्रगल किए जा रहे थे। मुंबई में रहते रहते उन लोगों ने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए और अब वो जमाना आ चुका था कि ये लोग अपने पैसे लगा के फिल्म बनाते थे, शॉर्ट फिल्म की बात कर रहा हूं मैं, और उसको बेच दिया करते थे। एक जमाना ऐसा था, काफी पहले की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म सीडीज में बिका करती थी। सीडी मतलब प्रॉपर रिलीज हुआ करती थी, सीडीज में अपलोड होती थी, डीवीडी में अपलोड होती थी और वो बिका करती थी। तो शॉर्ट फिल्म पहले यूट्यूब में ज्यादा नहीं चलती थी, पहले चलती थी सीडीज वगैरह में, डीवीडीज में, क्योंकि वो टाइम पे उसका ही जमाना था। अभी शॉर्ट फिल्म तो मोस्टली लोग यूट्यूब पे रिलीज करते हैं क्योंकि यूट्यूब एक अच्छा जरिया बन गया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है यूट्यूब। तो उस जमाने में कुछ ऐसा था, तो ये लोग अपना पैसे लगाते थे और अपनी शॉर्ट फिल्म्स को रिलीज करते थे, उससे इनकी इनकम भी हो जाती थी। अब थोड़े से ये सेटल्ड हो चुके थे लेकिन इनका नाम कोई नहीं जानता था, ये लोग फेमस नहीं हुए थे, थोड़े बहुत पैसे आना शुरू हो गए थे और ये लोग अपने प्रोफेशन में ही काम कर रहे थे। एक दिन इन लोगों के दिमाग में आया कि बस अब बनाना है हॉरर फिल्म्स, हॉरर शॉर्ट फिल्म्स। दरअसल उस जमाने में हॉरर चीजों का जरूरत से ज्यादा प्रचलन आ गया था, अभी से ज्यादा, क्योंकि उस जमाने में फियर फाइल्स वगैरह बहुत ज्यादा चलता था। वो टाइम पे जो बच्चे थे वो भी बहुत ज्यादा पागल थे हॉरर फिल्में, हॉरर सीरियल या कोई भी चीज हॉरर लेके। हाँ, आहट भी चलता था, फियर फाइल्स भी चलता था और काफी अच्छी अच्छी हॉरर फिल्म्स भी आई है उस टाइम में, 1920 वगैरह जैसी बहुत सारी फिल्में आई। तो प्रचलन अच्छा था, इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग हॉरर शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू करेंगे, जैसा हम लोग सोचते लेकिन हम बना नहीं पाते, बनाते ऐसा नहीं बनाते, कम बनाते हैं। तो इन लोगों ने भी सोचे कि बनाते हैं भाई, इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया मुंबई में रह के, कभी इसके फ्लैट में बनाते, कभी उसके फ्लैट में बनाते, कभी रेंट से कोई बंगलो ले लेते। इन लोग ना ये चीज भी कर करके थक गए और अब इन लोगों ने डिसाइड किया नहीं, अब कुछ ऐसा बनाना है जो तड़कता भड़कता, जो मतलब आग लगा दे, मार्केट में आए ना तो लोगों को ऐसा लगे बाप रे क्या लेकर आ गए हैं लोग, मतलब ये हॉलीवुड के लेवल पे जाना चाह रहे थे, बहुत स्ट्रगल करके हो गया। तो अब क्या हुआ, अमित ने बोला एक ऐसी जगह शूट किया जाए अपनी एक हॉरर फिल्म जो कि सचमुच में दिखने में हॉरर हो। उसने ये फंडा हॉलीवुड का ही आजमाया। हॉलीवुड में दरअसल ऐसा कई बार होता है कि जो भूतिया जगह है, हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं, वहीं पर ये लोग जाकर शूटिंग करते हैं ताकि वो रियल फील आए एक्टर्स को। कई बार रियल भूतिया चीजों के साथ भी हॉलीवुड वाले शूट करते हैं, जैसे रियल स्केलेटन हो गए, वैसे चीजों को यूज किए हैं, किए है ना वो वाली फिल्म में जो एक श्रापित फिल्म हो गई, उस फिल्म का नाम मैं भूल गया, खैर वो मैटर नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं, द ट्विलाइट जोन उसका नाम है। तो अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक ऐसा लोकेशन ढूंढा जाए जो कि रिमोट एरिया में हो और वहां पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई परमिशन लेना ना पड़े, कोई पुलिस का झंझट ना हो, हम लोग जाए और रियलिस्टिक भूतिया दिखे और हम लोग वहां पर बढ़िया अपने फिल्म को शूट करें। अब ये लोग जगह ढूंढने लगे। उसी दौरान जो मैंने बताया अमित का जो दोस्त थे 3, उनमें से एक दोस्त क्या बोलता है, हम लोग इतने टाइम से लोकेशन ढूंढ रहे हैं, एक काम करें क्या, मेरे गांव चले क्या। ये लोग बोले कि भाई तुम्हारा गांव कहां पर है। वो बताता है कि मेरा गांव उत्तर प्रदेश का ऐसा छोटा छोटा गांव है यहां पे है। उन लोग बोलते कि ठीक है अगर भाई ऐसा है तो फोटो वोटो मंगा गांव में, तेरा कोई दोस्त दोस्त होगा तो। ये तुरंत दोस्त को फोन लगाता है,
दोस्त से फोटो वोटो मंगवा लेता है। उस समय क्या इतना मल्टीमीडिया मोबाइल इतने ज्यादा नहीं थे, तो अपने मेल में फोटोज मंगवा लेता है। मेल में देखते हैं फोटो, फोटो पसंद आती है सब लोगों को यार, बोले अच्छी यहाँ पर चल के शूट किया जा सकता है। और वहाँ पे कोई झंझट भी नहीं होता, जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश के में मुझे पता है, वहाँ पे आप जाके शूट कर रहे हो तो कोई ऐसा रोक टोक करने वाला नहीं आता है। नहीं होता होगा हाँ। लेकिन अगर लोगों की नजर में आ जाए तो हाँ, लेकिन बहुत छोटे गांव में जाते इतना नजर में आने के लिए, लोग खुद शूटिंग देखने आते हैं, इतना नजर में भी आने वाली बात नहीं होती है। तो चलो इन लोगों ने बोले कि हम लोग यहीं पे शूट करने जाएंगे। फाइन लोग डेट वेट सब हो गया। अब जो एक लड़का था वो उसी गांव का था, और ये गांव बेहद ज्यादा छोटा, रिमोट एरिया, मतलब यहाँ पर पुलिस थाना भी नहीं था। ऐसा होता है क्या? होते हैं बहुत सारे एकदम छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पे घर भी प्रॉपर नहीं होते, मिट्टी के घर होते हैं। हाँ, बस वो वैसे ही था। हाँ। उस गांव में ना एक शमशान घाट हुआ करता था और एक कब्रिस्तान भी हुआ करता था, लेकिन ये कब्रिस्तान गांव की सीमा से थोड़ी दूरी पर था, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, दो गांव के बीच में था, और शमशान घाट इसी गांव के अंदर में था। इन लोगों ने सोचा यार ये जगह तो फाड़ू है, रात होती है तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है यार, मतलब एकदम फॉग वॉग बनता है ठंड के टाइम में। ये लोग गए हुए थे नवंबर के टाइम में, एकदम डरावना माहौल क्रिएट होता है। इन लोगों ने बोले बेस्ट जगह है, वहाँ पर पहुँचे, रात में रेकी किए, बोले मज़ा आ जाएगा, यहीं पर शूट करते हैं। इन लोगों की स्क्रिप्ट तैयार थी। अब इन लोगों की स्क्रिप्ट का एक छोटा सा हिस्सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये लोगों की फिल्म कैसी थी पता है कि ना, जो मुर्दे हैं अपनी कब्र से, अपनी चिता से उठकर चलने लगे हैं और गांव के अंदर प्रवेश कर गए हैं और गांव वालों के बीच में रहने लगे हैं, और उन लोगों को अपने जीवन की जो याददाश्त है पुरानी वाली वो निकल चुकी है, और धीरे धीरे करके उनकी याददाश्त उनको आ रही है, और इसी दौरान उसमें क्या जो भी घटनाएं होगी वो होगी, मतलब उनकी इस कंसेप्ट में फिल्म थी। बहुत डिफरेंट कंसेप्ट था, बहुत हॉरर भी, तो इसलिए इनको रिमोट एरिया चाहिए था। तो अब इन लोगों ने बोले चलो सब कुछ रेडी है, एक्टर्स वगैरह इन लोगों ने डिसाइड कर लिए, गांव वाँव से दूर दराज से बुलवा लिए लोगों को किसी के सहारे, तो गांव वाँव वाले भी होते हैं बड़े खुश हो गए यार हमको भी शूटिंग करने को मिलेगी, सब तैयार था, सब सेटअप था। अब इन लोगों ने एक सीन किए और सीन करते हुए अमित को मज़ा नहीं आया, अमित ने बोला फील नहीं आ रहा यार। तो इन लोगों ने बोले क्यों फील क्यों नहीं आ रहा है? अमित ने बोला रियलिस्टिक फीलिंग, चलो ठीक है लोकेशन हमें रियलिस्टिक मिल गई है, लेकिन इन मुर्दों इन भूतों को देखकर ऐसा लग रहा है क्या कि ये सही में भूत हो सकते हैं? अब इन लोगों ने बोले भाई हमने तो भूतों को और ऐसे मुर्दों को नहीं देखे हैं, किसी ने नहीं देखा क्लियरली, हम जो बता सके हमारी तो मन की ही वो रहती है ना। हाँ। अमित बोलता है आज पैकअप, ये सनकी डायरेक्टर टाइप का था, बोला आज पैकअप कल करेंगे, ऐसे सब लोग घर चले गए खाना वाना नाश्ता वास्ता खा के। अमित रात भर सोचते रहा, ये लोग छत में सोते थे, इसका जो दोस्त था योगेश, योगेश के घर के छत में सोते थे सब लोग, आसमान को देखते सोचते रहा कि कैसे देखते होंगे भूत, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। अचानक से उसके दिमाग की बत्ती खुलती है रात के 3 बजे, तुरंत योगेश को उठाता है, अपने दोनों दोस्तों को उठाता है बाकी के, बोलता है यार मुझे आइडिया आ गया। वो आइडिया बता देता है कि कैसे पता चलेगा। अब कट टू सीधे नेक्स्ट रात में, रात 10 बजे के आसपास ये लोग एंटर करते हैं उस कब्रिस्तान में जो कि गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। पिछली रात को इसने अपने दोस्तों क्या बोला था पता है? भाई अगर पता करना है कि मुर्दे लिटरली कैसे दिखाई देते हैं मरने के कुछ महीने बाद, तो क्या करते हैं, कब्र ही खोद लेते हैं ना, पता चल जाएगा, देख लेंगे। रही चिता वाली बात, तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चिता तुरंत जल जाती है, 4-5 घंटे में खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, वो प्रॉपर दिखता नहीं है। लेकिन अगर खोद के निकालते हैं तो बॉडी के कुछ पार्ट्स तो बचे ही रहते हैं। जिन लोगों ने बोले कि चलो करते हैं, सब संकीत है, सब तैयार हो गए, बिल्कुल बौखला गए थे डायरेक्शन करने के चक्कर में, इसलिए ऐसे पागल पागल। गांव के लोग नॉर्मली 9 बजे के आसपास तक बिल्कुल सो ही जाते थे, इसने लोगों ने 10 बजे का टाइम चुना था कि जब हम लोग निकले तो कोई हमें देखे भी ना और सवाल भी ना करे और फिर कोई उंगली ना करे, इसलिए रात के 10 बजे के आसपास ये लोग जो फावड़ा वगैरह होता है लेकर पहुंच गए, खोदने लगे, भूतिया माहौल, भूतनिया माहौल। और उस दिन पता नहीं कैसे कब्रिस्तान में हल्की हल्की बारिश पड़ गई, मतलब लिटरली वो वाला फील बना हुआ था भूतिया वाला, पूरा लग रहा था। और अमित बड़ा खुश हो रहा था, बोला था देखो यार ये चीज चाहिए कि साला हम खोद रहे हैं रियल में, बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है, एक साइड फॉग दिख रहा है, मतलब ये जो नजारा था ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता होगा, ये वो नजारा बना हुआ था। मतलब कोई नॉर्मल इंसान ये सिचुएशन को देख लेना तो वो चक्कर आ जाए उसका, नॉर्मल इंसान को, वहां पर वो वाला माहौल बना हुआ था। आखिरकार वो लोग खोद कर निकाल लेते हैं, दिखाई देता है एकदम खतरनाक सा चेहरा,
चेहरा का कुछ आधे से भी कम हिस्सा, 1/4 हिस्सा बचा हुआ है और बाकी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है। केवल दिख रहा है कंकाल, शरीर का भी यहाँ का भी बहुत सारा हिस्सा खत्म हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, सड़ा हुआ सा, गला हुआ सा, खत्म सा दिखाई दे रहा है। ये नजारा इतना ज्यादा डरावना, इतना ज्यादा भयावह था, इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी उस बॉडी से कि ये लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। निकाल तो लिए थे बड़े हीरो बन के, लेकिन जब सिचुएशन सामने क्रिएट हुई रियल वाली, तो इनकी फट गई, डर गए। जैसे इन लोगों ने निकाले ना, पीछे से किसी की बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई थी कब्रिस्तान के बाहर से। जबकि मैंने क्या बताया था, गांव के इलाके से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर सुनसान जगह में था, लेकिन जैसे इन लोगों ने निकाले, उसको देखे, स्मेल आई, पीछे से किसी की जोर से चीखने की आवाज आई, ये लोग डर गए, बोले गए अभी। इन लोगों ने तुरंत उसको बाहर की बाहर छोड़े, गड्ढा खोदा हुआ था, और भागे वहां से, भागे और सीधे जाके योगेश के घर में चद्दर तान के फिर से सो गए। योगेश के घर तरफ बारिश नहीं हो रही थी, 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था ना, आप लोग बोलेंगे कि वहां बारिश क्यों नहीं, नहीं ऐसा होता है, 1-2 किलोमीटर डिस्टेंस में बारिश होता है और नहीं भी होता है, डिस्टेंस था। वो लोग सो गए, अब सोचते ही रहे, सपने में भी वो चेहरा आ रहा है, बड़े परेशान हो गए यार। अगले ही दिन हुआ, योगेश की ना बुरी तरीके से तबीयत खराब हो गई, मतलब बॉडी वाइब्रेट कर रही है, कीड़े खाने लगा, मतलब योगेश हो गया पोजेस्ड बुरी तरीके से। कच्चा मुर्गा गांव में पकड़ के खा लिया, उठा के मुर्गा भाग रहा था, छिपकली पकड़ के खा लिया, छिपकली घर की दीवार में चल रही थी, पकड़ा ऐसा खा लिया, और जिंदा भी रहा खा के। हाँ मतलब बुरी बुरी तरह से गया हुआ था, बुरी तरीके से पोजेस्ड हो गया था। आंखें वाखे एकदम सफेद पड़ गई थी। फिर इसको ये चीज को एक ही दिन गुजरे, घर वालों को पता नहीं चला था पूरा मैटर क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन अमित भी बुरी तरीके से पोजेस्ड, फिर बाकी के दोनों दोस्त भी बुरी तरीके से, अब चारों बन गए पागल जैसे, भूत पगला गए, परेशान हो गए, बोले क्या हो गया, अब घर के गांव के सब लोग परेशान हो गए, ये लोग तो कहाँ पिक्चर बनाने आए थे, इनका क्या हाल हो गया, ये पिक्चर बनाने आए थे भूत वाले और खुद ही भूत बने फिरे, कैसे घूम रहे इधर। वही अब गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था मैटर क्या है, क्या किया जाए क्या किया जाए, सब लोग समझ गए थे कि ये भूत बाधा है भाई, कोई डॉक्टर सॉल्व कर नहीं पाएगा, एक तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए। तांत्रिक बाबा आए, बड़े पुराने यार, बहुत पुराने, लोग बोलते थे कि 100 साल को वो टच कर चुके हैं, 1 सदी वो देख चुके हैं, वो बड़े खतरनाक थे, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल, उनका ऑरा भी जो था ना इतना स्ट्रांग था कि पूछो मत। वो आए, इनको देखते से ही बोल दिए कि इनके साथ मशान बाधा लगी हुई है, मशान बाधा, इन लोगों ने या तो किसी चिता के साथ बुरी सी छिड़खानी की है, या तो फिर किसी कब्र के साथ छिड़खानी की है, मैं सूंघ के बता सकता हूँ। जल्द से जल्द पता करो, पता करो, अगर पता नहीं करोगे तो इन चारों बच्चों की जान खतरे में है, अगली पूर्णमासी को चारों लोगों की मौत हो जाएगी, अगर इन लोगों को बचाना है तो बचा लो, जाओ पता करो कहाँ का ये कांड क्या हुआ है। अब गांव वाले लग गए, शमशान घाट गए, कुछ समझ में नहीं आया, कब्रिस्तान पहुंचे, क्या पाए, वही खुदा हुआ कब्र, लेकिन उसके आसपास कोई भी डेड बॉडी नहीं। बॉडी गई तो गई कहां फिर, किसी को समझ में नहीं आया। चार लोग गए हुए थे देखने के लिए, भागते हुए गांव की तरफ आए, चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को बता दिए, तुरंत ही तांत्रिक बाबा को बुलाया गया, तांत्रिक बाबा को भी पूरी बात बताया। तांत्रिक बाबा समझ गए, दरअसल जिस आदमी की बॉडी के साथ इन लोगों ने इस तरह की छेड़छाड़ किए थे, वो आदमी भी एक तरीके से ब्लैक मैजिक में बुरी तरीके से इन्वॉल्व था, और उसकी जो मृत्यु थी ना, वो होता है ना कि कई बार ब्लैक मैजिक उल्टा हो जाता है, या फिर एक दिन ऐसा आता है कि ब्लैक मैजिक वालों की मौत बड़ी रहस्यमय तरीके से होती है, कुछ जो शैतान होते ना, कुछ उनकी मांगे होती है, या कुछ तो बलि चाहिए होता है उनको, अगर नहीं देते ना ये जो डायन और टोना लोग होते हैं, हाँ। तो वो लोग खुद उल्टा पड़ता है, उनकी जान भी चली जाती है। तांत्रिक बाबा ने बोले कि ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट पता करना पड़ेगा, हम भगवान तो है नहीं, बाबा ने बोले, इसलिए एग्जैक्ट पता करने के लिए पता लगाओ कि वहां पर कौन दफन था। पता चलता है कि 2 गांव आगे का एक आदमी था भाई, उसके परिवार में पता लगाया गया, उसके परिवार वालों से पूछा गया, तो परिवार वालों को भी कुछ पता नहीं कि बॉडी कहाँ है क्या है, लेकिन उसकी पूरी जन्म कुंडली पता चल गई इन लोगों को, बाबा लोग, इधर के तांत्रिक बाबा लोग। पूर्णमासी को ठीक अब 3 दिन बचे हुए थे, अब इन 3 दिनों में अपना काम करना था, और काम क्या था कि उसकी डेड बॉडी को वापस से लाके दफन करना था, प्रॉपरली पूरे क्रियाक्रम के साथ, जैसा भी क्रियाक्रम होता है लास्ट में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग तरीकों से क्रियाक्रम होता है, तो इन लोगों को पूरी प्रॉपरली क्रियाक्रम करना था,
दो या तीन दिन बचे हुए थे। सब लोग ढूंढने को लग जाते हैं, लेकिन किसी को भी वो बॉडी नहीं मिलती। पागल हो गए थे लोग ढूंढ ढूंढ के, और आखिर में पूरणमासी की रात आई। पूरणमासी की शाम से ही तांत्रिक बाबा ने बोल दिए थे कि देखो अब तक बॉडी मिल नहीं पाई है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, क्या कर सकते हैं। बोले हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम जान लगा देंगे, लेकिन इन बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। बाबा जी लग गए, एकदम बड़ी पूजा चल रही है, योगेश घर वाले घबराए हुए हैं, मम्मी पापा सब लोग हैं, दादा दादी बुआ लोग सब परेशान हैं। बड़ी पूजा चल रही है, लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बड़ा खतरनाक माहौल बना हुआ है। इतना बड़ा भी गांव नहीं था, लेकिन गांव में रहे होंगे 40-50 परिवार, सब इकट्ठे हो गए। मैटर भी तो इतना बड़ा है तो लोग तो आएंगे ही देखने। लेकिन जब रात का वक्त आया, चांद पूरा साफ साफ आसमान में दिखाई दिया, चारों की बॉडी में एक बड़ा सा झटका आया और दो लोगों की मृत्यु हो गई। दो लोग ऐसी कंडीशन में चले गए कि खाली सांस ही चल रही थी, सिर्फ सांस ही, और कोमा में चले गए होंगे दो लोग, पता नहीं क्या था, कि सिर्फ सांस ही चल रही थी। अब क्या कर सकते थे। और जिन लोगों की सांस चल रही थी उनमें से एक योगेश था और एक ही अमित, और बाकी के जो दो दोस्त थे जिनका नाम भी मैंने अभी तक नहीं लिया, उन लोगों की मृत्यु हो गई। पूरे गांव में मतलब सब लोगों की आंखों से आंसू आ गए यार। सब लोग ढूंढ रहे थे, सब लोग लगे हुए थे इतने दिन से, इन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया, तो सब लोगों को बड़ा दुख हुआ। गांव के लोग इमोशनल भी होते, सोच रहे होंगे बेचारे बच्चे लोग शूटिंग करने आए थे और एक कांड किया, ऐसा बुरा कांड जो कि कभी किसी को जिंदगी में करना भी नहीं चाहिए, वो बहुत ही बड़ा कांड था, उसकी वजह से दो लोग बचे भी थे। योगेश की बहन रहा करती थी गांव में, घर में, तो योगेश की बहन की मदद से योगेश का मोबाइल को अनलॉक करवाया गया, और वो जो दोनों जो लड़के थे उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म कराया गया, वो लोग आए और इसी गांव में उनका क्रियाकर्म हुआ। भाई कहां बेचारे डायरेक्टर बनने निकले थे। अभी भी योगेश और अमित की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अमित के घर वाले भी अब यहाँ पर आ चुके थे। अमित के घर वाले थोड़े पैसों से थे, ये बोलते हैं कि चलो हम दोनों बच्चों को यहाँ से दूर चेन्नई ले चलते हैं, वहाँ पे इनका इलाज करवाते हैं। ये लोग चेन्नई में एडमिट रहे, और फिर आखिरकार 1.5 या 2 महीने बाद अमित ने भी अपनी जान गंवा दिया हॉस्पिटल में, और सिर्फ बच पाया तो वो था योगेश। योगेश को होश आया उस दिन वाले कांड के ठीक 2 महीने बाद। डॉक्टर भी नहीं बता पाए थे कि क्या हुआ है। डॉक्टर ने सिर्फ इतना बोले कि इन लोगों के दिमाग में कुछ इतना गहरा सदमा हुआ है, हर्ट में कुछ इतना गहरा सदमा हुआ है, जिस चीज़ को हमारा मेडिकल साइंस समझ नहीं पा रहा है, जिस चीज़ की वजह से इनके दिमाग और इनके दिल ने ना प्रॉपरली फंक्शनिंग करना छोड़ दिया है, इस वजह से इनके साथ ये हो गया है। मतलब सोचो, उन लोगों ने कब्र से एक शैतान को निकाल के खड़ा किया, जिसकी वजह से चीखा भी था निकालने के बाद से, और उसके बाद से चारों के चारों पूरी तरह से बर्बाद हो गए। पीछे से कहीं से चीखने की आवाज आई, चीखने की आवाज आई थी, जो भी बोले, लेकिन शैतान को तो खोद के निकाले थे वो, ऐसे किसी को खोद के निकालेंगे तो ये हालत तो होगी। कभी भी कोई भी शूटिंग हो, कोई भी वीडियो हो, कुछ भी हो, ऐसा कांड भूल के भी नहीं करना चाहिए। बस फिर क्या था यार, योगेश को चेन्नई से घर पर लाया गया, योगेश को तो याद ही नहीं था। उसके जीवन में उसको केवल उतना ही याद था कि हम लोग उस दिन कब्रिस्तान से आए थे भाग भाग के, और अपने छत में चादर ओढ़ के मस्त सो गए थे। उसके बाद उसको इतना सा हल्का सा याद था कि सुबह हुई है, बस सुबह हुई है, इतना ही मालूम था, और बाकी कुछ भी याद नहीं था। और सीधे 2 महीने बाद की सिचुएशन ये याद थी, एकदम कमजोर, दुबला पतला, चल नहीं पा रहा है, हालत खराब। ऐसी सिचुएशन में अब घर वालों ने बोली कोई जरूरत नहीं, बोले गाँव में रहो, अपना खेत है, खेती करो, पैसे कमाओ, यहीं पे शादी करो, जिंदगी बढ़ाओ। लेकिन देखा जाए तो उसमें से उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो वो बच गया, नहीं तीनों कहाँ बच पाए। ये पूरी की पूरी जो घटना है ना, ये किसने लिखकर भेजा पता है, किसी और ने नहीं, योगेश के भांजे ने लिखकर भेजा है। अच्छा। योगेश का भांजा, जो बहन जिसकी मदद से अनलॉक कराया गया था, वो शादीशुदा थी, बच्चा भी हो चुका था, यही 4-5 साल का रहा होगा उस समय, और भी उसी ने पूरी कहानी लिखकर भेजा। मतलब इतनी ज्यादा डरावनी घटना यार, कैसे हैंडल किए होंगे, मैं ये सोच रहा हूँ पूरे परिवार वालों ने, पूरे गांव वालों ने, क्या नजारा रहा होगा, इतना डरावना, बहुत खौफना। मैं तो अलग ही सदमे में चली गई कि यार ऐसा भी किसी साथ कुछ हो सकता है क्या। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे जुबान से कुछ बोल नहीं पा रही हूँ मैं, तो ये कैसी, ये सब चीजें मजाक की नहीं होती है, नहीं करना चाहिए यार, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। खैर
हमें यकीन है कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक सीख मिली होगी। उसी सीख के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।